अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं दरिया इस्वात के किनारे पिज़ागढ़ के मुकाम पर बाईपास पर मौजूद हूँ। थोड़ा सा मैंने आपको अपडेट करना था कि ईद की जो दौरान जो रश था वो तकरीबन थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन कल तकरीबन कम हो जाएगा। अभी भी काफ़ी तादाद में सयाह मौजूद है और कल इनकी वापसी होगी, तो अगर आप अपना प्लान कर रहे हैं प्रोग्राम को, तो रश से बचने के लिए आप अपना प्रोग्राम फिर कल यानी इतवार को आप कर लें, क्योंकि ये वीकेंड भी है, छुट्टी भी है ईद की, और कल जुमा था, जुमे के दिन वर्किंग डे को लोगों ने इग्नोर करके छुट्टी ली है और अभी भी सियाहती मकामात में मौजूद है। मौसम के हवाले से मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि मौसम बिल्कुल साफ़ है, कोई मतलब ख़तरा नहीं है। वो जो अक्सर बताया जाता है कि ये जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर सैलाब का ख़तरा है और बारिश का इम्कान है, तो वो नहीं है, मतलब यहाँ मौसम बिल्कुल साफ़ है। हाँ, स्पेसिफिक जगहों पर जो मतलब पहाड़ी जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बारिश जो है ना रोज़ की मामूल है, वहाँ पर होती रहती है, तो मौसम बिल्कुल ठीक ठाक है। रास्ते जो है ना वो ट्रैफिक का थोड़ा बहुत मसला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है ईद के दौरान, काफ़ी रश है। लेकिन एक मसले से मैं आपको और भी अपडेट कर दूं कि इस वक्त स्वात में पेट्रोल की किल्लत है, यानी लाखों के हिसाब से मतलब ट्रांसपोर्ट गाड़ियां जो है ना वो आई है सयाहों की, तो ये एक मसला है। अगर आपने आना है तो अपनी गाड़ी की टेंकी जो है ना वो भरवाए, और जिस पेट्रोल पंप में आपको फ्यूल मिले तो आप फ्यूल का जो है ना वो इस्तेमाल करें, ताकि फ्यूल जो है ना वो आपके पास टेंकी फुल हो, ताकि आपको ख़दशा ना हो। ये अगर आप देखें तो अभी भी लोग मतलब आ जा रहे हैं, और ख़ास कर डाउन डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, इसको हम कूलर पार्टी कहते हैं। कूलर पार्टी मतलब एक खुली गाड़ी को मतलब पिकअप वगैरह, इसमें कूलर बांध के इसके पास चटाई और खाने पीने की तमाम अशिया होती है, तो वो थोड़ा सा रश है, लेकिन इंशाल्लाह ये रश बहुत जल्द मतलब अल्लाह करे कि कायम रहे। लेकिन वैसे आपको अपडेट करने के लिए मैं बता दूं कि कल से मतलब मामलात ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी। अगर आपने आना हो तो फिर आप बिल्कुल आ सकते हैं। सामने रेस्टोरेंट अभी भी बंद है, ये सामने जितने भी रेस्टोरेंट है वो बंद है, कल इंशाल्लाह तवक्कु है कि ये खुल जाएंगे। तो थोड़ा सा मैंने आपको अपडेट करना था, और आप अगर सयाह देखे तो दरिया इस्वात के किनारे और दरिया में वो नहा रहे हैं, आप अंदाज़ा कर सकते हैं ठंडे पानी है, लेकिन चूँकि यहाँ पर मौसम नॉर्मल है, इतनी वो नहीं है, इतनी शदीद गर्मी भी नहीं है। अभी भी मैं मौजूद हूँ बिल्कुल सूरज के सामने, लेकिन दरिया इस्वात के किनारे ठंडे ठंडे पानी और ठंडी ठंडी हवाएं जो है ना वो चल रही होती है, तो इतना शदीद सर्दी नहीं, गर्मी नहीं है, मतलब नॉर्मल गर्मी है। तो थोड़ा सा मैं आपको रोड का मंज़र भी दिखाऊं, आपको रोड भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ट्रैफिक कितनी नहीं है। सारे जो जितने भी सयाह है वो गए हैं उधर कलाम सेट पे, वो त्रोड सेट पे, महोडन झील, तो मलमजबा, जितने भी सयाहती मकामात हैं तो वहाँ पर रश है। अच्छा, बुकिंग के हवाले से मैं बता दूं कि बुकिंग अगर आपने करनी है तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं की तो भी बेहतर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होटल्स हैं, तो आपको कमरा आराम से जो है ना मिल जाएगी। और कमरे का रेट्स भी मैं आपको बता दूं कि आजकल तकरीबन नॉर्मल जो होटलें हैं 3,500-4,000 से लेकर 5,000 तक रेट्स आजकल है, और ये रश की बुनियाद पर है, अगर रश ज़्यादा है तो फिर वो रेट बढ़ जाता है। लेकिन आम तौर पर आजकल जो मैंने मालूम किया तो तकरीबन यही रेट्स चल रहे हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। ये अगर आप देखें तो ये एक रेस्टोरेंट है हुजरा, ये भी बंद है, सामने जयपुर बांध, तो ये होटल्स अभी खाने पीने की जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट है वो बंद है। ईद की छुट्टियाँ गुजर गई है, ख़त्म हो गए हैं, तो कल उम्मीद है कि ये लोग तैयारियां वगैरह कर रहे हैं, कल ये खुल जाएंगे। तो मामलाती ज़िंदगी कल से जो है ना बहाल होना
शुरू हो जाएगी और आप जो है ना वो मतलब फिर इंजॉय कर सकेंगे। अभी भी आप कर सकते हैं, होटल्स खुले हैं, बड़े बड़े होटल भी खुले हैं, छोटे छोटे होटल भी खुले हैं, वो खाना दस्तियाब है ये नहीं है। लेकिन जो आम रेस्टोरेंट है मशहूर यहाँ की, सिर्फ वो जो खाना पीना खाने पीने की चीज़ें पर आराम करते हैं, वो बंद है। और आज मेरा ख्याल है कि कुछ तैयारियाँ जारी है तो वो खुल जाएंगे। तो ये सूरत हाल है। बाकी सड़कों के हवाले से मैं अपडेट कर दूं कि कालाम रोड अब बेहतर है, वो जो कुछ ब्रिजेस की जगहों पर खड्डे थे वो सूबाई हुकूमत ने स्टेप लेकर उसको हमवार करा दिए हैं, तो बेहतर है वो सिलसिला भी। और ये बाईपास पर मैं हूँ, बाईपास एक फूड स्ट्रीट है, मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट है इस इलाके में। तो यहाँ पर होटल्स खुले हैं, कुछ होटल खुले हैं, कुछ बंद है। सैयाह भी आप देख सकते हैं कि नाश्ते के लिए और इन चीज़ों के लिए आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल है, मैंने थोड़ा सा आपको अपडेट करना था ताकि आपको पता चले। लेकिन यहाँ मिंगवरा सिटी में इस वक्त इतना रश नहीं है, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जितने भी सयाह हैं वो मुख्तलिफ इलाक़ों में पहुँच चुके हैं। स्वात के जो सियाहती मकामात हैं यानी मदीन, बहरेन, कालाम, मलमजबा और उतरोड़, गबराल, महोडन झील, वहाँ पर सारे जो है ना वो चले गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सड़कें खुले हैं, मतलब तो करवा दवा है, लेकिन जो कालाम, मलमजबा, बहरेन, मदीन इन इलाकों में मुश्किलात हैं अब भी सयाहों को। कल इंशाल्लाह और आज, यानी मैंने पहले भी बताया कि कल बहुत ज़्यादा रश था, आज उससे कम है और कल इससे भी कम है, यानी इतवार के बाद हालात जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। तो अगर आपने आना है तो कोई इशू नहीं है। ये दरे स्वात और मौसम के हवाले से बता दूं कि मौसम बिल्कुल ठीक ठाक है, नॉर्मल मौसम है, बर्दाश्त किया जा सकता है। तकरीबन कोई 20 के करीब या 24 के करीब दर्जे हरारत होगी यहाँ पर, जबकि कालाम और मलमजबा और दिगर जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर 15-16 तक जो है ना वो है। तो मेरे साथ रहे, लेकिन ये बात याद रहे कि अगर आपने आना है तो ज़रूरी है कि आप लाजिम पेट्रोल के टैंक जो है ना अपना फुल करें। जब स्वात में आप दाखिल हो तो स्वात आने से पहले, मतलब स्वात के करीब जितने करीब हो अपना टैंक फुल कर दें, क्योंकि स्वात के बालाई इलाकों में बिल्कुल पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, 200 रुपये लीटर भी नहीं मिल रहा है। और इसी तरह जो बाज़ी इलाके हैं वहाँ पर कमरों के रेट भी काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। तो आप कोशिश कर लीजिए कि महदियन में रुके, मिंगवरा में रुके, सियाहती मकामात में आजकल अगर आप रुकते हैं तो रेट ज़्यादा है, मतलब कालाम में अगर आप रुकते हैं, बहरेन में रुकते हैं, उन इलाकों में रेट ज़्यादा है। तो कोशिश कर लीजिएगा कि आप प्रोग्राम जो है ना कल से आप आना शुरू कर दें, मेरा ख्याल में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन फ्यूल की, पेट्रोल की किल्लत जारी है ज़िला भर में, और लोग जो है ना सयाह और मुकामी शहरी पेट्रोल के लिए दर बदर के ठोकरे खा रहे हैं और पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। तो हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि सयाहों को आसानी हो। ट्रिप एक रवां दवा है, लेकिन बालाई इलाकों में जो सियाहती मकामात है जितने भी, वहाँ पर आज भी ट्रिप का थोड़ा बहुत मसला होगा, लेकिन कल के मुकाबले में आज कम है और आज के मुकाबले में कल मज़ीद कम हो जाएगी। तो ये सूरत हाल है और मुझे इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और जगह पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।